सुनिए, इन अव्वल दीन कुम नबुवतुन व रहमा। मुसलमानों, तुम्हारे इस दीन का जो पहला दौर है वो नबुवत और रहमत है, यानी मैं खुद मौजूद हूं, बनफ्से नफीस तुम्हारे माबेन, नबुवत मौजूद है तुम्हारे माबेन, और मैं तो रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हूं। तो इन अव्वल दीन कुम नबुवतुन व रहमा व तकून फीकुम माशाअल्लाह अन तकून सुम्म यरफउ अल्लाह जल्ला जलालहू। और ये रहेगी नबूवत और रहमत तुम्हारे माबेन जब तक कि अल्लाह चाहेगी कि वो रहे, फिर ये कि अल्लाह ताला उसको उठा लेगा, यानी मेरा इंतकाल हो जाएगा। सुम्म तकूनु खिलाफतन अला मिनहाजिन नबूवा, फिर खिलाफत आएगी अला मिनहाजिन नबूवा, नबूवत के नक्शे कदम पर। माशाअल्लाह अन तकून, वो भी रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। सुम्म यरफउ अल्लाह ज़ाशा यरफा जल्ला जलालहू, फिर जब अल्लाह जल्लो जलालहू चाहेगा उसे भी उठा लेगा। सुम्म तकून मुल्कन आवन, फिर एक दौर आएगा काट खाने वाली मुलुकियत, बादशाहत, जो कि लोगों को काट खाएगी, जालिम होगी। फतकून माशाअल्लाह तकून सुम्म यरफा अल्लाह ज़ाशा यरफा जल्ला जलालहू, वो भी रहेगी जब तक कि अल्लाह चाहेगा कि रहे, फिर जब अल्लाह जल्ला जलालहू चाहेगा उसे भी उठा लेगा। सुम्म तकून मुल्कन जबरियतन, फिर एक और मुलुकियत आएगी, मजबूरी वाली मुलुकियत। फतकून माशाअल्लाह अन तकून सुम्म यरफा अल्लाह जल्ला जलालहू, तो वो भी जब तक अल्लाह चाहेगा रहेगी, फिर जब अल्लाह चाहेगा उसको भी उठा लेगा। सुम्म तकून खिलाफतन अला मिनहाजिन नबुव्वा, फिर दौर आएगा खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा का। तुअमलु फिन्नासे बिसुन्नतिन नबी, फिर उस वक्त सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के साथ सारे मामलात लोगों के माबैन किए जाएंगे। वयुल्किल इस्लाम बिजराने ही फिल अर्द, और इस्लाम अपनी गर्दन जमीन में टिका देगा, यानी इस्लाम की सारी बरकात, इस्लाम की सआदतें जो है रूए अर्जी को ढांप लेंगी। यरदा अंधा साकिन समाए व साकिन अर्द, आसमानों वाले भी राजी होंगे उस निजाम से जो दुनिया में उस वक्त कायम होगा, और जमीन वाले भी सब के सब राजी होंगे। ला तदाउ समाओ मिन कतन इल्ला सब्बत हो बिदरारा, आसमान अपना एक कतरा भी नहीं रोकेगा बल्कि उसे जमीन पर बरसा देगा मूसलाधार बारिश की शक्ल में। वला तदाउ अर्द मिन नबातहा व बरकातहा शैयन इल्ला अखरजत, और जमीन भी अपनी बरकतों और अपनी पैदावार अपनी नबातात में से किसी शय को रोकेगी नहीं मगर यह कि निकाल के बाहर कर देगी। जमीन से सारी बरकत जो है उमड़ आएंगी, आसमान से अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होंगी, आसमान वाले भी राजी होंगे, जमीन वाले भी राजी होंगे, अल्लाह के नबी के मुताबिक सुन्नत के मुताबिक जो है सारे मामला तय हो रहे होंगे। ये दौर भी आएगा खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा का। मैं यहां सिर्फ थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि जिस किताबचे का मैंने हवाला दिया है उसमें हमने वो अहादीस भी नकल कर दी है, इस वक्त मेरा वो मौजू नहीं है लिहाजा मैं वक्त उसमें सर्फ नहीं कर सकता, कि जब दोबारा ये दौर आएगा खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा का तो ये आफाकी होगा, आलमगीर होगा, कुल रूए अर्जी पर मुहित होगा। हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है मुस्लिम शरीफ की, इन अल्लाह ज़वाली अल-अर्द, अल्लाह ने मेरे लिए सारी जमीन को लपेट दिया, फराए तो मशारे कहा व मगारे बहा, तो मैंने इस जमीन के सारे मशरिक देख लिए, सारे मगरिब देख लिए। वही न उम्मती सयम लोगो मुल्क हा माजुए अली मिनहा, और सुन रखो कि मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाकों पर होकर रहेगी कि जो अल्लाह ने जमीन को लपेट कर मुझे दिखा दिए, तमाम मशारिक तमाम मगारिब पर मेरी उम्मत की हुकूमत कायम होगी। وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض, और अभी आपने जो आयात मुबारक तिलावत की गई उनमें सुना कि अल्लाह ताला ने जबूर में लिख दिया था इन الأرض يرثها عبادي الصالحون, मेरे साले बंदे बिल आखिर इस जमीन के वारिस होंगे, कुल जमीन के ऊपर उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। जो कुछ कुरान ने कहा है उसी को हदीस हमारे सामने ला रही है। इसी तरह एक दूसरी हदीस है हजरत मिकदाद बिन असवद की रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो मुस्नद अहमद इब्ने हंबल की है, ला यबका अला ज़हरि अर्द ज़हरि अर्द बैतु वबरिन वला मदरिन इल्ला अदखलहु अल्लाह कलिमतल इस्लाम,
میں پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں اس وقت. زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا, نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. تو یہ آفاقیت, یہ عالمگیریت, اس کو میں کہوں گا گلوبلائزیشن, جس کے اوپر بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں اس وقت. جنوا شہر جو ہے اٹلی کا, یہ گلوبلائزیشن جو ہو رہی ہے یہ کیپیٹلزم کی گلوبلائزیشن ہے. لیکن خلافت علی منہاج النبوہ کی گلوبلائزیشن ہوگی جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.